فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحاجة له الليل نسلخ منه النهار فإذا هم यहाँ पे मैंने गुड़ को अच्छे से कूट कर इस टप्पे में डाल लिया। अब इसको रख देते हैं यहाँ पे क्योंकि गुड़ की चाय बहुत मज़े की लगती है मुझे। तो अब नाश्ता आ गया तो नाश्ता वगैरह करते हैं और आज हमने बर्गर बनाने हैं तो ये बंद वगैरह भी ले आए हैं बंद गोभी। لا ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية. नाश्ता वगैरह कर लिया और सारी सफाई वगैरह कर लिया। डाल रहे हैं जूस मार्टी और गाजरों का मार्टी का जूस निकाल रहे हैं इसके ऊपर काला नमक लगा के साथ जूस पीते थे ना छोटे होते बड़ा मज़ा आता था है ना निशादी निशाद निशाद हाय हेलो। छोटे होते हम जब इसके ऊपर वो नमक लगा के ऐसे बढ़ के ऐसे पीते होते थे जूसते थे कितना मज़ा आता है। ऊपर निशाद भी ऊपर आई आए हुए क्योंकि इतनी अच्छी धूप निकली है तो सब फायदा उठा रहे हैं हम लोग। गर्मी को ऐसी धूप से हमने जान छुड़वा ली है। प्योर माल्टी का जूस पी के तो पेट फुल हो गया था। फिर अब 2 घंटे बाद मैंने चाय बनाई है तो चाय पी लेंगे क्योंकि चाय बगैर तो सुबह होती ही नहीं है। अब चलते हैं नीचे नीचे जाके देखते हैं फूफो क्या खा रही हैं। सरसों के घी की खुशबू आ रही है। हेलो यहाँ पे क्या बन रहे हैं? ये हम चिप्स बना रहे हैं सरसों के तेल में ना। हाँ सरसों की खुशबू आ रही ऊपर बन रही है। और तुम्हारे अंकल जो है ना वो चीज का आते हैं मेरे साथ हेल्प करा रहे हैं। ये तो पकौड़े लग रहे हैं। नहीं ये चिप्स ही है इसमें मैंने अंडा डाला पहले। अच्छा बाद में थोड़ा सा बेसन डाला ये देखा मेरी मजे की बना लिया चीज के इसमें। अब हम लड्डू वगैरह खेल रहे हैं देखते हैं। मैं इधर नहीं हो रहा मैं भी दोबारा बनाऊंगा निकाल ले ये अब मैं जाने लगी हूँ सलून जाना। मैंने प्लगिंग वगैरह करनी है ये काफ़ी भड़ गई है और साथ में ये मेरा निकाह नाम है इसकी लैमिनेशन करानी है और कुछ हमारे थोड़े से काम है बाजार में तो वो करके अभी हम वापस आते हैं। बाजार से हम आ गए थे तो अब हम लोग बर्गर बनाने लगे हैं। शामी को हमने फ्राई कर लिया। फ्राई करते हैं इसको क्या करते हैं फ्राई करते हैं अब निकाल लेते हैं इसको ठीक है। व्हाट मूली डंडा इसको अब साइड पे हम कर देते हैं।
फिर ऐसे करके ये तो फिसल फिसल का नीचे ही आई जा रहा है। या, यार इसको लंबा लंबा काट के रखते है पूरी बंद गोभी का छिलका उतार के, वो ज्यादा सही लगना था है? वो ज्यादा सही लगना था मतलब ऐसे पत्ते पत्ते काट के रखते ना। ओ नहीं 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 इतने अच्छा लगता वो, उस तरह सही लगता वो तो सलाद के पत्ते होते हैं ना, सलाद के पत्ते। हाँ बेटा जी इसका भी होता है जो हम लोग खाते हैं मैकडोनल्ड वगैरह से, क्या होता है बंद गोभी तो नहीं होती तो होती है उसमें भी सलाद के पत्ते, कोई अलग मखलूक है। हाँ नहीं मैं यार मैं हर तो ये दिखाऊंगा, चलो हमने तो गौर करते नहीं बस खाते हैं। यहाँ पे हमारा बन रहा है सालन, आज मैंने बनाया है चिकन और मटन, मटर चिकन और मटर इसको रखते हैं यहाँ पे। ये उस तरह के नहीं हुए जिस तरह वो बूढ़े हो जाते हैं, तो ये मैंने बुने नहीं, ये लगता है इनका ही पानी निकला है, इसको उतार देते हैं ऊपर से ढक्कन क्योंकि सारी वो भाप बन के अंदर ही पानी जाई जा रहा है तो ये बूढ़े नहीं हो रहे और चुनरियाँ भर जाती है ना। अब ये बंद यार प्लेट दो ना मुझे, इसको मैं निकालूँ, इसको हम निकालते हैं उसमें प्लेट में। अब इसमें हम इसकी आँच हल्की कर देते हैं, इसके अब हम अंदर डालेंगे बंद, इसको ऐसे ऐसे रख दें ऐसे 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 रख देते हैं, ये तो होता दो दो ही आने हैं, ये तीन कर लो, तीन कर लेते हैं। अब हम लोग अंदर से अंडे लेते हैं, ये पकड़े एक मिनट उधर रखो, हां रखते हैं यहां रखो, आधी गल तू चाहिए तो भरा मार देना आईया ऐसे ही ला के गोश्त ला गया तेन तू अरे तेन पै कुछ दा ही पया हुंदा। बर्गर हो गया रेडी और ये निशान है, ये पीस किस काम में अपने मलेगा किया है जेड़ा माफी लेना है, हम नीचे चलते हैं। और ये आज मेरे बंदे ने मेरे साथ काम करवाया इसलिए किचन की है कुछ ये हाल है। क्या क्या मुझे बात सुना आ गया कोई तो ये अब आके ये संभालते हैं सारा, चलते हैं वो हमारा कहीं जल लेना जाए बंद ही कर जाते हैं, बाद में आके इसका हल करेंगे। चलते हैं जी नीचे, चिप्स भी तल दिया। मैंने रख लेते हैं ना।
बर्गरों के साथ। आज हम रोटियां वगैरह बना लिया, शाम ने खा लिया, मैं ठहर के खाऊंगी। रात के 8 बज रहे हैं और सब काम हो गया ख़त्म। आज ये थी मेरी आज की रूटीन, फिर मिलेंगे किसी नए व्लॉग के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।